गुड इवनिंग बच्चों, यहाँ पे देखिए दो टावर दिखाए गए हैं। एक टावर ये है पहला वाला और दूसरा टावर ये है। इन दोनों टावर के बीच की दूरी जो है वो है 140 मीटर। अब ये अगर 140 है तो इसके ठीक ऊपर इस टावर के टॉप से यहाँ तक की दूरी भी 140 मीटर होगी। अभी करना क्या है, जो ये पहला वाला टावर है इसकी जो हाइट है वो है 60 मीटर दी हुई है। ये सेकेंड वाले टावर की हाइट हमको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अगर ये खींच दिया जाए, ये वाली ये लाइन अगर खींच दिया जाए तो यहाँ तक का जो हाइट आता है वो 60 मीटर आएगा, क्योंकि पैरेलल है और ये 60 है, इसलिए ये भी 60 होगा। यहाँ तक 60 होगा। ये ऊपर की हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए क्या क्या करेंगे, 10-30 डिग्री एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, तो 10-30 डिग्री इक्वल टू ये AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC हो जाएगा, BC ये हो जाएगा, और AC है हमने X माना है तो X लिख दीजिए, और BC जो है दिया हुआ है 140 मीटर, ठीक। 10-30 की वैल्यू लिख दीजिए 1/√3। तो यहाँ से इस 140 को इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 140/√3। 140/√3 इसकी जो वैल्यू आती है जब डिवाइड करेंगे तो 140/1.732 डिवाइड करने पे आएगा 80.83 अप्रॉक्सीमेट, इतनी वैल्यू आएगी। चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें या फिर डिवाइड करके करें, इतना आएगा मीटर। अब ये कह रहा है हमको ये 80.83 ये वाली डिस्टेंस मिल गई है और नीचे 60 पहले से ही है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। टोटल हाइट के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसी में ऐड करेंगे इस प्लस 60 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 140.83 मीटर। तो ये आपका आंसर है।